वो बोरिंग इंट्रो नहीं देता हूं मैं। आइए देखते हैं सीधा इस बार का भारत एक मौज, क्योंकि मौज की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने मोदी जी का शानदार ट्वीट, क्यूट ना, कितने क्यूटली उन्होंने ये ट्वीट किया है। लेकिन कुछ जो हेटर्स हैं वो अभी भी ये बोलेंगे कि इस ट्वीट को देख के कि आज के जमाने की बात हो रही है। अरे भैया हेटर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से पढ़ो उस ट्वीट को। वो 46 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। डिक्लेयर्ड इज द ऑपरेटिव वर्ड, वो उसकी बात कर रहे हैं। आज के जमाने की थोड़ी कोई बात हो रही है, आज थोड़ी ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो ये इस तरह के गंदे चक्रों में मत पड़ो, हमें विश्वगुरु बनना है, बहुत आगे जाना है, ये कंफ्यूज मत करो। इट इज क्लियरली अबाउट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। बेसिकली इस ट्वीट से मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। दोस्तों, हमने इतनी मेहनत करके अपने देश सेवा के जज्बे को दिखाते हुए, देश प्रेम के जज्बे को दिखाते हुए इतने चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया, अपने टीवी फोड़ डाले, वॉशिंग मशीन फोड़ डाली और ऐप्स तक बंद कर दिए और पता नहीं क्या क्या किया कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, खाने पीने की चीज़ें तक नहीं छोड़ी। लेकिन ये चाइना कितना बेशरम, इसके कान पर जू ही नहीं रेंगती है, हैं? मतलब ये वैक्सीनेशन में बिजी है, मतलब हम यहाँ पर उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मान लिया हमारी कमाई के टीवी थे, लेकिन थे तो चाइनीज ना, हम उनको इतना बॉयकॉट कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन में लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ों वैक्सीनेशन उनके रोज हो रही है। कैसा जी मुल्क है यार। अगर ऐसा कोई रिश्तेदार आपकी फैमिली में हो जिसके बारे में आप ऐसा कुछ बोलते रहो और उसके कान पे जो भी ना रहेंगे, आप तो उसे घर पे बुलाना छोड़ दोगे। हाँ, वैसे चाइना को बुलाए थे पहले, अब नहीं बुलाना चाहिए हमको। लेकिन मोटी बात यह है कि हम कितना भी नुकसान कर लें यहाँ पे चाइना का, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो इंजेक्शन लगाने में लगे हुए हैं। फिर भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी, मतलब मैं उनकी कदर, उनको सलाम करता हूं कि उनकी स्पिरिट इतनी हाई है। यही लोग देश को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी जब पेट्रोल डीजल के दाम आगे 100 को क्रॉस कर गए तो लोगों ने, मतलब बहुत सारे स्केप्टिक्स जो मैं बोलता हूं हेटर्स, वे मतलब शोर मचाने लग गए कि यार 100 क्रॉस कर गया, 100 क्रॉस कर गया, शतक हो गया, फलाना हो गया, ढीमका हो गया। एक रिपोर्टर कोई किसी चैनल का या पता नहीं कोई यूट्यूब चैनल था, वो लेके सड़क पर चला गया माइक और पूछने लगा लोगों से, पेट्रोल डीजल तो 100 के ऊपर पहुंच गया है, तो ये आम आदमी को जो है बोझ नहीं पड़ रहा है। तो लोगों का आप देखो कि कितना देश प्रेम, मैं कह रहा हूं क्यों देश प्रेम, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर में जो रूल है वो ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो है पॉपुलेशन को डिफेंड करती है। हमारे यहां एक विश्व गुरु का जो एक ट्रेट है वो ये है, हमारे यहां जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही है। ऐसा दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये देश यूनिक है। कमिंग बैक टू दोज गाइस, वो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उनसे पूछा गया कि भाई आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ रहा है, आपको यकीन नहीं होगा कैसे कैसे जवाब सुनने को मिले। कुछ भी महंगा हो जाए जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना, 500 रुपए तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी लेंगे वोट। 80 की तो नई भी नई बाइक देती है सर, कहां 50 का भी देती होगी, मैंने मान लिया। जितने पैसों में मैं 10 से 12 किलोमीटर जा रहा हूँ, वो 50 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी तो फर्क आ रहा है ना। इतनी देशभक्ति लोगों के मन में बोला कि अच्छी बात है पेट्रोल के दाम, मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और अजीब अजीब से उनके बाद जो मुझको उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया, एक बंदा कह रहा है कि देश के शेयर बढ़ रहे, एक बंदा बोल रहा है देश का नाम हो रहा है। अब मैं तो सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं ये लिबरल मीडिया के चक्कर में बड़ा पड़ा रहता हूँ, इनको भी पढ़ता रहता हूँ, दूसरा भी पढ़ता हूँ, लेकिन लिबरल मीडिया बोलता है कि नहीं देश का नाम नहीं हो रहा, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कैसे देश का नाम हो रहा है। और मेरे दिमाग में पहुंच गया कि देश की चीज क्या है ये, देश क्या तिजोरी में रखा हुआ कोई लोटा है कि जिसके दाम बढ़ गए हैं, देश कोई मतलब आपके अलमारी में बंद कोई रुमाल है कि जिसके दाम बढ़ गए, दुनिया में नाम बढ़ गया, या कोई आपने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है जिसको आप देश बोलते हो कि उसके शेयर बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो मैं इन सब चक्रों, बेकार के चक्रों में घूम गया जिन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हमको तो हाथ जोड़ के गवर्नमेंट को डिफेंड करना चाहिए, बाद में मेरे को समझ में आया बात ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने गौर किया और खबरों पे, तो मेरे को पता चला कि क्यों देश का नाम बढ़ रहा है, क्यों जो है देश का शेयर बढ़ रहा है। आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोबर की भी चोरी हो सकती है? जैसे कि आपने खबर सुनी होगी, छत्तीसगढ़ में 800 किलो गोबर चोरी हो गया और पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी। होता है किसी और देश में, ये एक महान मुल्क में ही हो सकता है।
हाँ आप ये बोलोगे हमारे घर चोरी होगी या डाका पड़ गया या कोई और चीज होगी, हम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। फालतू बैठे हुए क्या पुलिस वाले, क्या आपके चोरी डकैती की रिपोर्टें लिखेंगे? गोबर चोरी हुआ है, गोबर गाइस, गोबर अपने दिमाग में भर लो इस बात को, अगर जगह है तो बची हुई तो भर लो इस बात को, गोबर चोरी हुआ है। मुझे तो उस आदमी पे गुस्सा आ रहा है जिसने अपना गोबर अनअटेंडेड छोड़ दिया, 800 किलो गोबर अनअटेंडेड छोड़ा, तो फिर तो चोर उसको लेके ही जाएगा यार। अब इतनी कीमती चीज को गद्दे के नीचे लगाओ, अलमारी के अंदर रखो, या कहीं ऐसी जगह छुपाओ जहां अगर घर में चोर आए भी तो उसकी नजर चाहे किसी भी चीज पे पड़ जाए, चाहे आपका बच्चा उठा के ले जाए, चाहे आपके बर्तन उठा के ले जाए, चाहे आपके गहने उठा के ले जाए, चाहे आपका कोई और कीमती सामान उठा के ले जाए, गोबर पे चोर की नजर नहीं पड़नी चाहिए। गोबर छुपाओ, देश बचाओ। ये एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि अभी पीछे योगा दिवस था, ठीक है, देखा होगा आपने हमारे सब हृष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे बढ़िया वाली हेल्थ वाले फिगर वाले नेता लेट के योगा कर रहे थे, ऐसे करके योगा कर रहे थे, गाल पे हाथ रख के योगा कर रहे थे, और कोई ऐसे करके भी योगा कर रहा था, तो वो योगा दिवस था। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है, देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप इनको ना ध्यान से देखो और सब टेक्स्ट रीड करा करो। उन्होंने बोला था कि जब कोविड आया कोई भी देश तैयार नहीं था, योगा हेल्प्ड। अब जो है उन्होंने ये बात बोल दी है, अब आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो कि भैया हाउ डिड योगा हेल्प, इतनी सारी तो मौतें हो गई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, हाँ किसी को दवाई नहीं मिल रही थी, लोगों को क्रेमेटोरियम नहीं मिल रहा था, जब उनके जो परिवार वाले चाहने वाले यार दोस्त जब खत्म हो गए तो उनको अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिल रही थी, आप तो इन चक्रों में पड़ जाओगे। अरे यार क्या नेगेटिविटी में घुसे रहते हो यार, जो गया सो गया, पहले बोला गया ना उसकी तो मुक्ति हो गई है, मोहन भागवत जी ने बोला है जो गया उसकी मुक्ति हो, उसमें मत पड़ो। बट द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दैट नो कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड बट योगा हेल्प्ड। अब मुझे मालूम है आप पूछोगे कैसे, मोदी जी मेरी आपसे गुजारिश है कि इन जैसे नामाकूल लोगों के, एहसान फरामोश लोगों के लिए आप प्लीज एक बार एक वीडियो में आके ये बता दीजिए कि जब कोविड आया हाउ डिड योगा हेल्प, योगा ने कैसे हेल्प किया, ये इनको बता दो, क्योंकि जब तक आप बताओगे ना ये आपके पीछे पड़े रहेंगे कि बताओ योगा कैसे हेल्प किया, योगा कैसे हेल्प किया, और तब जाके इनको समझ में आएगा किस तरीके से योगा की वजह से ये कंट्री डील कर पाया कोविड क्राइसिस से और विनर निकल के आया है, कोट अनकोट विनर। तो ये बताना बहुत जरूरी, तो कृपया मोदी जी आप प्लीज एक वीडियो में आके बता दें कि हाउ डिड योगा हेल्प, ताकि क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर जब आप इन लोगों को बता दें तो फिर आप बाहर जाके भी बताएं कि भाई कैसे जो आप तुम ये इंजेक्शन विंजेक्शन और वैक्सीन वगैरह के चक्रों में लगे हो, अपने साइंटिस्टों को आपने लगा रखा है, ये बेकार की चीजें, इनके चक्रों में मत पड़ो, इनके चक्रों में मत पड़ो, योगा करो बिकॉज इट विल हेल्प। या बाहर जाके लोगों को बताएं, भाई विश्वगुरु बनने का तो यही तरीका होता है कि दुनिया को राह दिखाएं, तो आप बाहर जाके लोगों को बताएं, आसन सिखाएं उनको, कौन कौन से ऐसे कोविड स्पेसिफिक आसन हैं जिनकी वजह से कोविड का असर कम हो जाएगा, ऐसे करो। क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी बातें करके गागर में सागर भरने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो पूरी लिबरल ब्रिगेड है ना, ये अभी क्लास ले लेगी बेमतलब, क्योंकि इनको समझ तो आता नहीं है, ये ना बीच में ना उंगली करते रहते हैं कि भैया बताओ कैसे हेल्प किया, तो आप दुनिया को भी जाके बताओ। बाकी हमारा देश तो इतना महान है, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि हम कैसे, मतलब हमारा नाम हो रहा है योगा दिवस पे, आपने देखा कुछ लोगों ने ऊंटों को लिटा के उनके ऊपर योगा किया, ऊंट को लिटा के, भाई साहब ये छोटी मोटी चीज नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं लिटाया है, ऊंट लिटाया, मतलब हमारे देश में अगर हमारे घर में दरी चद्दर नहीं है ना, तो हम ऊंट को भी लिटा देंगे और उसके ऊपर योगा करेंगे। योग हमें नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता, तो ये देश का नाम बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो इन लोगों के लिए समर्पित है, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और शानदार खबर आई है उत्तराखंड से, कि वहां पे आयुर्वेदा डॉक्टर जो है वो एलोपैथी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वहां के जो आयुष मिनिस्टर हैं हारक रावत जी, उन्होंने बोला है कि ये कर सकते हैं, और उन्होंने वजह उसकी ये बताई है, इससे उन्होंने बोला है कि लोगों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि भैया दूर दराज इलाकों में जहां पे डॉक्टर नहीं है उनको बड़ा फायदा हुआ कि आयुर्वेदा जो है वो उनको प्रेस्क्राइब कर सकता है एलोपैथी मेडिसिन। हाँ दोस्तों, अब आप लोग फिर बोलोगे यार ये कोई बात हुई, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर लाओ, ये थोड़ी है कि अगर कहीं पे किसी इलाके में डॉक्टर नहीं है तो कोई बंदा बैठ के वेल्डिंग कर रहा है तो उसको बोलोगे भाई अब ये दवाई प्रेस्क्राइब कर देगा, इसको डॉक्टर लेके आओ वहां पे। लेकिन नहीं, लुक एट द पॉजिटिव साइड,
जब वो डॉक्टर अपने पेपर पे लिखेगा कि ये मेडिसिन लेके आनी है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा आयुर्वेदा डॉक्टर को कि वो भी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर रहा है एलोपैथी की, उसकी ईगो कितनी बूस्ट होगी। ये भी तो देखो, वो भी तो देश का हिस्सा है, ये भी देखना चाहिए आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पहले किसी सरकार ने किसी कभी ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे, ये सरकार दे रही है। क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिल नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? है क्या उसकी भावनाएं नहीं है? उसका मन नहीं फील करता कभी कभी रियल डॉक्टर की तरफ अपनी जिंदगी बिताने का? तो उसको देखो, उसको कितना उसको ईगो मसाज मिलेगा कि वो ऐसे दवाइयां लिख लिख के दे रहा है। हाँ, बस अब जल्दी से होम्योपैथी का भी कर दें कि वो भी लिख सकते हैं एलोपैथी, तो उसकी भी ईगो बूस्ट हो जाएगी, उसका भी मन करता है कभी कभी असल में डॉक्टर बनने का। तो ये सब छोटी छोटी जो ये ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, आप लोग जो है ना भाई मतलब उसमें मत करो, ये ह्यूमन राइट्स की बातें, क्योंकि आयुर्वेदा डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनके भी राइट्स हैं। अगर उनका मन करता है कि आज मैं डॉक्टर डॉक्टर खेलूंगा, तो सरकार उनको खेलने दे रही है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? खुश रहा करो यार चीजों में, बेकार की इसमें कोई प्रॉब्लम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अमेरिका में ये बेकार की चीजों में प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो वो फंस गए ना, वो चौविन करके एक पुलिस वाला जिसने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे घुटना रख दिया, उसको 22 साल की जेल हो गई है। मतलब ये कैसा देश है, पुलिस वालों को जेल हो रही है कि उसने एक नागरिक को मार दिया। यार हमसे कुछ सीखो यार, ये तो वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मार देते हैं हमारे यहां तो। अगर बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करेगी पुलिस तो परफेक्ट कैसे होगी लोगों को मारने में? हमारे यहां इस बात पे गौर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि प्रैक्टिस के लिए दो चार घुमा दो ऐसी। वहां उन्होंने 22.5 साल की जेल दे दी। अब बताओ इससे अमेरिका का नाम क्या रोशन हुआ? हाँ, हमारा नाम रोशन हो रहा है कि हमारे यहां तो पुलिस की कुटाई के हाथ के मीम बनते हैं और जो है वीडियोज बनते हैं, पब्लिक में घूम रहे होते हैं, और ये हम वी वेयर इट लाइक अ फेदर इन आवर कैप, कंधे पे स्टार है ये हमारे। तो अमेरिका क्या जाने विश्व गुरु कैसे बनता है, इनकी बातें बेकार की बातें हैं, नहीं बनना हमको अमेरिका। भारत के आयुर्वेद के पास शायद एलोपैथी से बेहतर विकल्प है, उसी तरह पतंजलि के ठीक बगल में WHO का हेडक्वार्टर हो, इसकी मैं कामना करता हूँ स्वामी जी। और हमारे प्यारे दीपक चौरसिया भैया जो हाथ में मोजे पहन के और सिर पे स्कूटी का हेलमेट पहन के एस्ट्रोनॉट बन के आए थे, आपके सामने प्रकट हुए थे, याद है आपको? इतने प्यारे हमारे दीपक चौरसिया भैया, उन्होंने राकेश टिकैत जो किसान नेता है उसका फोटो चलाया कि ये AC में सो रहा है प्रोटेस्ट में, बताओ ये कैसा प्रोटेस्टर है। ओहो टिकैत साहब, बात तो सही है, आप जब तक वहाँ धूप में मतलब ना पड़े रहो, जब तक आप पसीने पसीने ना हो रहे हो, अपने कुर्ते पजामे भीग ना रहे हो, आपके दाने दाने को आप मोहताज ना हो, तब तक आप प्रोटेस्टर थोड़ी हो। ये अलग बात है कि इंडिया में जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ने अपने आप को किसान डिक्लेयर किया हुआ है। तो दीपक चौरसिया के हिसाब से माना जाए तो ये सब लोग तो AC में सोते नहीं होंगे, यूनियन के पार्लियामेंट में बैठे हुए जो किसान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देश का नाम रोशन करने की कड़ी में एक कड़ी ये दीपक चौरसिया ने भी जोड़ी है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए जैसे 1980s में आर्ट फिल्मों में जो सदगति टाइप फिल्म में जो जैसे वो जो बंदा रिक्शा चला रहा होता है बलराज साहनी, ठीक है, वैसा आपको दिखना चाहिए, तो ही आपका प्रोटेस्ट लेजिटिमेट माना जाएगा। अगर आप AC में बैठे हो इतनी गर्मी में और, तो फिर आप प्रोटेस्ट नहीं हो। यही डिफिकल्टी है हमारे देश की। मैंने शुरू में कहा था ना, ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे, कोरोना पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, देश का नाम बढ़ रहा है, आप भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, पेट्रोल 200-400 हो जाए उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि देश के शेयर बढ़ रहे हैं, देश का नाम हो रहा है। और इंडिपेंडेंट मीडिया में अगर आपको कोई दिलचस्पी है, अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो न्यूज़ क्लिक के कुछ प्लान्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन प्लान्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये लिंक नीचे दिए हुए हैं, इन लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए कौन सा प्लान आपको सूट करता है, आप उसको ले लीजिए, और वैसा मीडिया जो इंडिपेंडेंट जो फ्री है बिल्कुल, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और उससे जो है आपको एक्सेस भी मिलेगा बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया पर सुनने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ क्लिक ऑन दीज लिंक्स एंड चूज योर ऑप्शन। मिलते हैं अगली बार भारत एक मौज में। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन
गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे